श्रीकाल कैनेडा वीकली बुलेटिन देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ रचना सेवक, तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब। नज़र पाउंदे आ हफ्ते भर दीआं खबरां ते। भारतीयों नूं वड्डी गिणती च मिली कैनेडा दी पीआर, आईआरसीसी वल्लों जारी कीते गए अंकड़े। यूट्यूब ने ब्लॉक कीती निज्जर कतलकांड ते बनी फिल्म। सीबीसी दी दस्तावेजी फिल्म भारत च कीती गई ब्लॉक। कैनेडा दे दावियां ते फाइव आईज पार्टनर नूं शक, भारतीय एजेंटा ते लगाए सी निज्जर दे कतल दे आरोप। अते इंडो कैनेडा इवेंट च अड़िका पाउण दी कोशिश, खालिस्तानी समर्थकों ने कीता रोस प्रदर्शन। ते हुण खबरां विस्थार नाल। कैनेडा ने 2023 विच 4 लाख तो वध लोकां नूं पक्के निवासी बना के स्वागत किया। आईआरसीसी वल्लों जारी किए गए अंकड़े अनुसार कैनेडा ने 2023 विच स्थाई निवासियों की संख्या लई अपने टीचे नूं पार कर लिया। इमीग्रेशन, शरणार्थी अते सिटीजनशिप कैनेडा वल्लों जारी किए गए ताज़ा अंकड़े अनुसार इन्हां नवें नागरिकों विचों 1.3 लाख तो वध भारती सन। कैनेडा ने सिर्फ 4,65,000 निवासियों नूं दाखल करन दी योजना बनाई सी। हालांकि जारी किए गए अंकड़े अनुसार 4,71,550 नवें स्थाई निवासियों नूं दाखल किया गया सी। इन्हां नवें स्थाई निवासियों विच सब तो वध वीज़े भारतीयों नूं दित्ते गए सन। उपलब्ध अंकड़े अनुसार लगभग 1,39,715 भारतीयों नूं कैनेडियन पीआर भी दित्ती गई। भारत के नाल नाल चीन, फिलीपींस, अफगानिस्तान अते नाइजीरिया के नागरिकों नूं स्थाई निवासी का दर्जा दिता गया सी। कैनेडा जाण वाले लोगों की गिनती भारत 1,39,715, चीन 31,765, फिलीपींस 26,950, अफगानिस्तान 20,165, नाइजीरिया 17,445 है। इस डाटा तो आईआरसीसी ने अगे खुलासा किया कि 1 अप्रैल तो 31 दिसंबर 2023 तक लगभग 2,93,000 नवे कैनेडियन नागरिक बने ने। 2022 के मुकाबले 13,900 लोगों का वाधा होया। अगले 2 सालों में कैनेडा ने 2026 तक लगभग 5,00,000 नवे स्थाई निवासियों का स्वागत करने की योजना बना ली है। 2023 लई संख्यावां दे आधार ते आईआरसीसी इस साल लई अपने टीचे नूं पार करन लई राह ते है। 2022 विच नवें स्थाई निवासियों लई प्रमुख स्रोत भारत, फिलीपींस, सीरिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, चीन, अमेरिका, फ्रांस अते इटली तो सन। गौरतलब है कि पिछले साल चीन, अफगानिस्तान अते नाइजीरिया तो प्रवास दर वधी है। कैनेडियन सिख कारकून हरदीप सिंह निज्जर दे कतल ते बनी सीबीसी दी दस्तावेजी यूट्यूब ते भारत सरकार के निर्देशों तो बाद भारत विच ब्लॉक कर दिती गई है। सीबीसी दे खास प्रोग्राम द फिफ्थ इस्टेट दी शुक्रवार को रिलीज़ हुई दस्तावेजी हरदीप सिंह निज्जर दे कतल दे विषय ते सी। गौरतलब है कि निज्जर दा पिछले साल सरी दे एक गुरद्वारा साहब दे पार्किंग लॉट विच गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। बुधवार को सीबीसी नू एक ईमेल विच यूट्यूब ने दस्या कि उसनू भारत दी मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी वालों इस वीडियो नू भारत विच यूट्यूब ते ब्लॉक करन दे निर्देश प्राप्त होए ने। बुधवार दोपहर नू यूट्यूब ने सीबीसी नू पुष्टि कीती कि वीडियो नू हुण भारत विच देखण तो ब्लॉक कर दिता गया है। हालांकि बाकी मुल्कां विच ये वीडियो यूट्यूब ते उपलब्ध होवेगी। इस दौरान एक्स ने भी सीबीसी नू पुष्टि कीती कि उन्हां नू भी भारत सरकार तो द फिफ्थ इस्टेट की दस्तावेजी नू हटाउण दी कानूनी मंग प्राप्त हुई है। यूट्यूब अते एक्स ने सीबीसी नू ईमेल विच कहा कि भारत सरकार इन्हां निर्देशों विच देश दे सूचना टैक्नोलॉजी एक्ट 2000 दा हवाला दे रही है। पिछले शुक्रवार रिलीज़ हुई इस वीडियो स्टोरी विच गुरु नानक सिख गुरद्वारा साहब दे प्रधान हरदीप सिंह निज्जर नू 18 जून 2023 नू अपने ग्रे रंग दे डॉज रैम पिकअप ट्रक विच पार्किंग लॉट चो निकलदियां देखिया जा सकदा है। जिवें ही निज्जर पार्किंग लॉट चो निकलन लग्या तो एक चिट्टे रंग की कार उसकी गड्डी दे अग्गे आके राह बंद कर दी है। फिर दो जने आते हैं अते निज्जर ते ताबड़ तोड़ गोलियां वराउंदे ने। बाद विच दोवें व्यक्ति सिल्वर रंग की टोयोटा कैमरी विच फरार हो जाते हैं। इस योजनाबद्ध हमले विच 6 व्यक्ति अते 2 गड्डियां शामिल सन। 9 महीने बीत जाण मगरों भी RCMP कोल ना तो शक्कियां दे नाम ने ते ना कोई गिरफ्तारी हुई है। निज्जर दी हत्या दे मामले विच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार दे एजेंटा दी शमूलियत दा इल्ज़ाम लगाया सी। इस इल्ज़ाम तो बाद कैनेडा ते भारत दे रिश्तियां विच बेहद कड़वाहट आ गई। भारत ने पुरजोर तरीके नाल निज्जर दे कतल विच किसे किस्म दी शमूलियत तो इनकार कीता है। सीबीसी न्यूज़ दे बुलारे चक थॉम्पसन दा कहना है कि द फिफ्थ स्टेट प्रोग्राम तहत बनी इस दस्तावेजी विच पत्रकारिता दे म्यारां दा पूरा ध्यान रख्या गया है।
निरपक्षता ते संतुलन यकीनी बनाने लई कई नज़रिए दे लोकां चश्मदीदां अते माहरां दे विचार शामिल किए गए ने। इंटरनेट ते नागरिक सुतंत्रतावां ते काम करन वाली सैन फ्रांसिस्को स्थित संस्था इलैक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन दी कानूनी निर्देशक कोरीन मैकशेरी ने कहा कि भारत सरकार दीआं इह कारवाइयां उस पैटर्न दा हिस्सा ने जो उन्होंने पिछले कुछ सालों तो देखिया। उन्होंने कहा कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों ते दबाव पाउण अते जिस समगरी नूं सरकार पसंद नहीं करती उस नूं हटाउण लई अपने कानूनां दा लाभ लैंदी है। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने कैनेडा के इस दावे ते शक प्रगटाया है कि खालिस्तानी वक्खवादी हरदीप सिंह निज्जर के कतल च भारत का हाथ है। तुहानू दस दईए कि न्यूजीलैंड फाइव आइज नामक गठजोड़ का मैंबर है। न्यूजीलैंड तो इलावा अमरीका कैनेडा ब्रिटेन अते ऑस्ट्रेलिया इस दे होर मैंबर ने। दसिया जा रहा है कि निज्जर मामले नू लैके न्यूजीलैंड नू कैनेडा तो कुछ खुफिया जानकारी मिली है पर न्यूजीलैंड नू उस ते भरोसा नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस नू दित्ती इंटरव्यू च पीटर्स ने कैनेडा वल्लों मुहैया करवाए गए सबूतों ते शक प्रगटाया है। ये पुछे जानते कि न्यूजीलैंड ने भारत नू अपने स्टैंड की जानकारी दित्ती है। इस ते पीटर्स ने कहा कि वह इस मामले नू हैंडल करन वालियां विच शामिल नहीं सन। उन्हें कहा कि पिछली सरकार के अधिकारी इस मामले नू देख रहे ने। गौरतलब है कि पीटर्स भारत के अधिकारित दौरे पर ने। पीटर्स ने कहा मैं उन लोगों में शामिल नहीं सी, ये मामला पिछली सरकार वालों हैंडल किया गया सी। पर कई बार जो तुसी फाइव आइज तो जानकारी सुन रहे होंगे हो तो तुसी ये सुनते हो, तुसी कुछ कहते नहीं हो, जानकारी तुहाड़े तो होके अगे बढ़ जाती है। तुसी नहीं जानते कि इसकी कीमत की है अते कितनी सही है। उन्होंने कहा एक सिखियत वकील होने के नाते मैं चंगी समझ है, इसलिए मैं पूछता हाँ कि केस कित्थे है, सबूत कित्थे है। तुसी हुण तक जो कुछ लभ्या मैं अजिहा कुछ देखा ही नहीं है। तुहानू दस दईए कि निज्जर केस संबंधी कैनेडा के दावियां ते फाइव आइज पार्टनर वालों खुल के सवाल किए जाने की यह पहली मिसाल है। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल सितंबर च अपने देश की संसद च भारत से गंभीर दोष लाए सन। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन च कहा सी कि 18 जून नूं सरी शहर च गुरुद्वारा साहब के बाहर खालिस्तानी वक्खवादी निज्जर के कतल च भारतीय एजेंटा के शामिल होने का शक है। इस तों बाद भारत अते कैनेडा के संबंधों में खटास आ गई सी। भारत ने 2020 निज्जर नूं अतवादी घोषित किया सी। भारत ने ट्रूडो के दोषों नूं रद्द कर दिता सी। ओटावा विच भारत दे हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा की शमूलियत वाले एक समागम विच खालिस्तान पक्षी प्रदर्शनकारियों वालों अड़िका पाउण की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस वालों उन्होंने रोकया गया। संजय कुमार वर्मा अल्बर्टा सूबे की राजधानी एडमिंटन विच व्यापारक आगूआं नाल गलबात कर रहे सन। इस नैटवर्किंग ईवेंट का आयोजन इंडो कैनेडा चैंबर ऑफ कॉमर्स वालों किया गया सी। वक्खवादी समूह सिक्स फॉर जस्टिस वालों इस दे विरोध का सद्दा दिता गया सी। इस समागम विच तकरीबन 200 शख्सियतां ने शमूलियत की। इन्हां 2015 विच कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों बनाई गई पहली सरकार के साबका कैबिनेट मंत्री अते एडमिंटन के मौजूदा मेयर अमरजीत सोही भी शामिल सन। एक बयान में संजय कुमार वर्मा ने कहा खालिस्तान पक्षी अंसरां ने समागम में अड़िका पाउण की कोशिश की पर उन्होंने कोई सफलता नहीं मिली। इबेरियो ईवेंट्स सेंटर के बाहर प्रदर्शनकारियों की गिनती लगभग 80 के करीब सी। खतरे के मद्देनज़र डिप्लोमैटिक सुरक्षा लई जिम्मेवार रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एडमिंटन पुलिस सेवा के नाल बाहर इकट्ठे हुए प्रदर्शनकारियों नूं अंदर दाखिल होण जां समागम नूं रोकण विच असफल कर दिता। जिक्रयोग है कि इस तरह की कोशिश इस महीने के शुरू विच भी की गई सी जदों भारतीय हाई कमिश्नर 2 मार्च नूं ब्रिटिश कोलंबिया के कस्बे विच सरी बोर्ड ऑफ ट्रेड द्वारा आयोजित एक समागम विच शामिल होए सन। तुहानू दस दईए कि यह विरोध प्रदर्शन पिछले साल 18 जून नूं सरी विच खालिस्तानी आगू हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में किए जा रहे हैं। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों हाउस ऑफ कॉमन्स विच खड़ के दोष लगाए गए सन कि इस कतल विच भारतीय एजेंटा की शमूलियत हो सकती है, जे इस मगरों दोहां देशों के रिश्तों विच तरेड़ आ गई सी। कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेज एंट्री शर्तां विच ढिल दे के लोगों लई मिलटरी विच भर्ती होना आसान बनाउण की कोशिश कर रही है। नवीआं शर्तां विच कुछ फौजी नौकरियां लई बिनेकारां नूं दाखला टैसट तो छोट देना अते कुछ मैडिकल शर्तां नूं खत्म करना भी शामिल है। रक्षा विभाग ने फरवरी विच अनुमान लगाया सी कि इस साल दे अंत तक कैनेडियन फौज विच 15,000 तों वध मैंबरां दी घाट हो सकती है। रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने इस रुझान नूं चिंताजनक आखदिआं कहा सी कि इस नूं इस तरह जारी नहीं रहना चाहीदा अते फोर्सेज विच भर्ती वधाउण लई रचनात्मक हल लभण दी जरूरत है।
फौजी भर्ती की निगरान ब्रिगेडियर जनरल क्रिस्टी ब्रोडी ने दसिया कि लगभग 60% लोग जो फौजा विच शामिल होने विच दिलचस्पी जाहिर करते हैं जां तां अपना योग्यता टेस्ट बुक करन विच असफल रहिंदे ने जां प्रीख्या देन ही नहीं आंदे। कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेज एप्टीट्यूड टेस्ट 1 घंटा लंबा बहु चोण टेस्ट है जो लोगों नूं उहनां दे मौखिक हुनर चौकस होण अते समस्या हल करन दी योग्यता ते अंक दिंदा है। ये किसी भर्ती दफ्तर ज मिलटरी साइट पर कंप्यूटर उपर व्यक्तिगत तौर पर पूरा करना होंदा है। इसका उद्देश फौजी करियर सलाहकारां नूं ये समझ देना है कि केड़ियां नौकरियां नवे भर्ती करन वालियां लई सब तो वधिया होणगियां। रक्षा विभाग का कहना है कि योग्यता टेस्ट लिखे बिना अर्जी देन दे योग होने लई बिनेकारां कोल यूनिवर्सिटी दीआं डिग्रियां जां कॉलेज डिप्लोमे होने जरूरी ने अते बिनेकारां लई उहनां दे चुणे होए कित्तियां लई लोड़ीदियां विद्यक शर्तां नूं पूरा करना जां संबंधित विद्या कित्ते अते जीवन विच ढुकवां अनुभव होना जरूरी होवेगा। ब्रॉडी ने दसिया कि जिहड़े बिनेकारां नूं भर्ती वेले टैसट तो छोट मिलेगी उहनां नूं भर्ती तो बाद ट्रेनिंग दौरान ये टैसट देना जरूरी होवेगा। इस तों इलावा घट जोखम वाले मैडिकल कारणों तो भी छोट दिती जा रही है। एक बिनेकार ने दसिया कि उसके योग्यता टैसट विच वधिया नंबर आए सी पर पीनट यानी मूंगफली तो एलर्जी होने करके उसनूं भर्ती तो अयोग कर दिता गया सी। इस करके मैडिकल टैसट दौरान हुण बिनेकारां नूं केस दर केस आधार ते भर्ती किया जाएगा। हालांकि शरीरिक योग्यता के मापदंड विच कोई छोट नहीं दिती जाएगी। अगले महीने तो फैडरल घट तो घट उजरतों विच वाधा होण जा रहा है। इस साल के शुरू विच फैडरल सरकार ने यह ऐलान किया कि उन्हां वल्लों अपने वर्करस लई उजरतों विच 1 अप्रैल तो 65 सेंट का वाधा किया जाएगा जो प्रति घंटे पिछे 17.30 डॉलर दिते जाएंगे। महंगाई नूं वेखदिया होया घट तो घट उजरतां नूं सालाना पद्धर उत्ते वधाउण दे जस्टिस जस्टिन ट्रूडो सरकार दे वादे मुताबक ही ये वाधा किया जा रहा है। इस तब्दीली नाल फैडरल सरकार वल्लों नियंत्रित इंडस्ट्रीज़ जिवें कि इंटरनेशनल ते इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन टैलीकम्युनिकेशन बैंकिंग पोस्टल ते कुरियर सर्विसिज विच काम करन वाले मुलाजमान नूं फायदा होवेगा। इस नाल 18 साल तो घट उम्र के इंटर्नस ते वर्करस नूं भी फायदा मिलेगा। ओंटारियो विच घट तो घट उजरतों विच इस साल के अंत तक वाधा किया जाएगा। 2023 विच प्रोविंशियल घट तो घट उजरतों प्रति घंटा 16.55 डॉलर कीतिया गई सन। डगफोर्ड सरकार ने अक्तूबर विच अपनिया सालाना घट तो घट उजरतों विच वाधा करन दा तहैया प्रगटाया। कैनेडा के ओंटारियो सूबे च पिछले हफ्ते एक घर च अग लगन कारण जान गवाउण वालियां दी पछाण भारतीय मूल दे जोड़े ते उन्हां दी धी वजो हुई है। पुलिस ने यह जानकारी सांझी कीती है। पील पुलिस ने जारी बयान च कहा कि ब्रैम्पटन के बिग स्काई वे ते वैन किरक ड्राइव खेतर च 7 मार्च नू एक घर नू शक्की हालात च अग लग गई सी। अग बुझाउण तो बाद जदों पुलिस ने घर की तलाशी ली तो मनुखी अवशेष बरामद होए पर उस समय मरण वालियां दी पछाण ते गिनती का पता नहीं लग सकिया सी। पुलिस ने दसिया कि हुण मरण वालियां दी पछाण भारतीय मूल दे राजीव वारीकू उन्हां दी पत्नी शिल्पा कोठा ते धी महक वजो हुई है। घर नूं अग किवें लगी इस बारे जांच अजे जारी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इमीग्रेशन ते वाधू शक्तियां दी क्यूबेक दी बेनती नूं रद्द करदिआं कहा कि सूबे कोल पहलां ही किसे भी होर कैनेडियन सूबे नालों इमीग्रेशन ते ज़्यादा कंट्रोल है। जवाब विच प्रीमियर फ्रेंसुआ लिगो ने कहा कि क्यूबेक सूबे विच शरण मंगण वालियां अते अस्थाई विदेशी कामियां दी गिणती नूं तेज़ी नाल घटाउण लई अपने सारे विकल्पां दा अध्ययन करेगा। यह गिणती इस समय 5 लाख तो वध है। ट्रूडो ने पत्रकारों को यह टिप्पणी मॉन्ट्रियल विच प्रीमियर नाल मुलाकात तो बाद कीती है। प्रधानमंत्री का बयान प्रीमियर लिगो की गल नूं खारिज करता है जिन्होंने वीरवार नूं कहा सी कि वो इस मीटिंग विच ट्रूडो तो इमीग्रेशन ते कंट्रोल प्राप्त करने लई कहणगे। ट्रूडो ने कहा नहीं असी इमीग्रेशन ते ज़्यादा शक्तियां नहीं देवांगे। क्यूबिक कोल पहला ही किसी भी होर सूबे नालों इमीग्रेशन ते वधेरे अधिकार ने क्योंकि ये फ्रेंच की सुरक्षा लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रूडो ने कहा कि वो अधिकार खेतर से चर्चा करने की बजाय सिस्टम नूं वधिया तरीके नाल काम करन दे तरीके लभन विच ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। थोड़ी देर बाद लिगो ने एक वक्री न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जिस दौरान उन्होंने कहा कि यह वेरवे देना जल्दबाजी होगी कि क्यूबिक सरकार सूबे विच शरण मंगन वालियां अते स्थाई विदेशी कामियां की गिणती नूं तेजी नाल घटाउण बारे हुण किवें विचार करेगी। प्रीमियर ने कहा कि ट्रूडो अस्थाई विदेशी कामियां दे सूबे विच जाण तो पहला क्यूबिक वल्लों इन्हां कामियां नूं मंजूरी दित्ते जाण बारे तैयार ने। उन्हां कहा कि ट्रूडो मैक्सीकन नागरिकां वांगू होर ट्रैवल वीजे लागू करन ते विचार करन लई सहमत होए ने
ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਿਗੋ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਊਬੇਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬੇਕ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸੰਗਠਨ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਓਟਵਾ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫੀਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2023 ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਲੱਭਣ, ਵਧੇਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਦਾ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਰੋਡਰੀਗੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਬਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਕਤਲਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 6 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰੋਡਰੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਘੰਟੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਰਕਰਸ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੋਮ ਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਲੈਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਹੋਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
गुरुद्वारा दुख निवारण साहब के प्रधान नरेंद्र सिंह ने दसिया कि वह एक चिंताजनक रुझान भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे ने साल 2021 तो हुण तक अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों दी 30 मृतक देहां भारत भेजिया ने अते 15 का अंतिम संस्कार किया है। कुछ अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी खुदकुशी नाल मरे ने ते कुछ हादसों विच, पर इन्हां विचों ज़्यादातर मौतां नशीलियां दवाइयां दी ओवरडोज करके हुई सन। उन्हां दा मनना है कि विद्यार्थियों विच नशियां दी वरतों शुरू करन दा एक वड्डा कारण महंगी रिहायश अते गुजारा करन विच मुश्किल होण करके पैदा होया मानसिक तनाव है। इस तों इलावा एक लापा इस मानसिक तनाव नूं होर हुलारा दिंदा है। उन्हां दे मनां विच एक वक्खरी तस्वीर हुंदी है, पर जदों उह कैनेडा आंदे ने तां हकीकत कुछ होर निकलदी है। नरेंद्र सिंह ने दसिया कि गुरुद्वारा साहब वालों नवे आए अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की मदद लई कंबल अते गद्दे वर्गियां चीज़ां नाल मदद की जाती है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे परिवार अपने बच्चों गुजारे लई लोड़ींदी रकम दे के नहीं भेजते। खालसा एड कैनेडा के नैशनल डायरैक्टर जतेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 4 साल तो संपर्क करन वाले लोड़वंदा की गिणती विच तेजी नाल वाधा होया है। उन्होंने कहा कि हुण तां नौजवानों के लापता होण दा रुझान भी सामने आ रहा है अते हफ्ते विच घट्टो घट एक बार तो कोई ना कोई माँ बाप उन्होंने अपने बच्चे के लापता होण दे संबंध में संपर्क करता ही है। जतेंद्र सिंह ने कहा कि इस समस्या विच तलख हकीकत यह है कि जदों विद्यार्थियों को परेशानी आती है तो उन्हां कोल जाण लई कोई थां नहीं हुंदी। तो यह सी कैनेडा का वीकली बुलेटिन। जंद जंद एक बार फिर नज़र पा लें मुख खबरों पर। भारतीयों नूं वड्डी गिणती च मिली कैनेडा की PR, IRCC वालों जारी किए गए अंकड़े। यूट्यूब ने ब्लॉक की निज्जर कतलकांड से बनी फिल्म। CBC की दस्तावेजी फिल्म भारत च की गई ब्लॉक। कैनेडा के दावों से 5 Eyes पार्टनर नूं शक। भारतीय एजेंटा से लगाए थे निज्जर के कतल के आरोप। अते इंडो कैनेडा इवेंट च अड़िका पाउण दी कोशिश। खालिस्तानी समर्थकों ने किया रोस प्रदर्शन। इस नाल ही कैनेडा वीकली बुलेटिन इत्थे ही खत्म हुंदा है। मैनूं रचना सेवक नूं दे दिओ इजाजत। तुसीं वेखदे रहो TV Punjab।